नमस्ते सभी को। मेरा नाम यशवंत पाटिल है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के शिवाजी राव एस जोंदड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे लगभग यहाँ पे 27 साल हुए इस इंस्टीट्यूट में। मेरे परिवार में मेरी पत्नी भारती है जो हाउसवाइफ है, और मेरे बच्चों बेटियां और एक बेटा, तीनों भी पढ़ रहे हैं, अभी उनका एजुकेशन चल रहा है। गांव में मेरा भाई जो खेती करता है वो अपने परिवार के साथ में वहां पे रहता है, उसके परिवार भी और उसके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी है। और वो गांव में और मैं यहाँ पे रहता हूँ तो भी एक जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। यूएचवी के साथ में जब मेरा जुड़ना हुआ था मई 2020 में, और तब मैंने एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बताया था कि आप इस वर्कशॉप को आपको ज्वाइन करना है। तब तो भाव तो यही था कि शायद ये कुछ मतलब कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। लेकिन जब मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और जब दूसरा सेशन चालू था, और जब उमेश भैया तब रिसोर्स पर्सन थे और उन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे जीना चाहते हो, संबंध पूर्वक जीना चाहते हो और विरोध पूर्वक जीना चाहते हो, तो मैंने आंसर तो ये दिया था कि मुझे तो संबंध पूर्वक जीना है। लेकिन आंसर देके मैंने वो सबमिट किया और फिर ध्यान इस तरफ जा रहा था कि ये तो नहीं हो रहा है। विरोध का भाव तो चलता ही रहता है, बहुत सारी अपने नजदीक के पर्सन के बारे में, चीजों के बारे में, ये परिस्थिति उसके बारे में। तो वहां से कहां पे तो भी मैं ध्यान इस वर्कशॉप की तरफ, तो मुझे लगा नहीं कि कुछ अलग बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन तो भी वर्कशॉप जैसे आगे चल रहा था और बहुत सारी बातें बोली जा रही थी, तब ये भी भाव चल रहा था कि ये तो कुछ अरे अनरियलिस्टिक बातें हो रही है, ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे हो सकता है क्या। जैसे कि फिर आखिर में एक पार्टिसिपेंट ने जब पूछा कि नेचर में तो स्ट्रगल है और आप तो मतलब हार्मोनी की बात करते हैं, तो रिसोर्स पर्सन ने उसको मतलब बताया नहीं। और एक्चुअली वो दूसरे दिन या चल रहा था, तो रिसोर्स पर्सन ने बोला नहीं फिर तो हम देखेंगे ना, उसको भी देखेंगे कि क्या नेचर में रियली स्ट्रगल है या व्यवस्था में जी रहे। तो मुझे लगा इसका आंसर ये क्या देंगे, ये तो है ही ना, हम तो देख ही रहे हैं। तो वर्कशॉप में मिला जुला ये रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर मैं वॉलेंटियरिंग करने लगा, और वॉलेंटियरिंग में फिर मुझे एफएक्यू की जिम्मेदारी थी। और जब मैं ये क्वेश्चंस लिख रहा था, और क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन तो मुझे मेरा ही क्वेश्चन लग रहा था, और कहीं ना कहां पे उसका एक रिसोर्स पर्सन द्वारा उसका एक आंसर दिया जा रहा था कि वो ठीक ठाक लग रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे मुझे मिल रहे थे। क्योंकि उसके बैक में अगर मैं जाऊंगा, लगभग 25-50 साल तक की जिंदगी में जी चुका था, और बहुत बार ऐसा लगता था क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज के लेवल पे ठीक ठाक, बहुत अच्छा परिस्थिति, बहुत कुछ है ऐसा भी नहीं था, लेकिन बुरी भी नहीं थी। लेकिन कभी कभी जब मैं बैठता था तो फिर मुझे एक अकेले में बैठता था तो फिर कुछ ऐसा एक वैक्यूम जैसा लगता था कि क्या मैं जो जी रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। कभी कभी संबंधों में जो एक कड़वाहट आती है उसको फिर मैं समझ नहीं पाता था ये क्यों हो रहा है। कहाँ ना कहाँ पे तब मैंने मान लिया था कि अगर फिजिकल फैसिलिटीज, घर है, गाड़ी है, घर में फर्नीचर है, तो फिर कहाँ ना कहाँ पे तो फिर इतनी तो जरूरत है दूसरे व्यक्ति की, और उसी के साथ में अगर वो नहीं सुखी हो पा रहा है तो भी संबंधों में कुछ बातें हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे है, तो फिर क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर इस वर्कशॉप में से तो क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल रहे थे, तो फिर गया। और उसके बाद में फिर एक साल के बाद में ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा ही कुछ पत्नी के साथ में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और फिर उसने जो बातें कही फिर वो मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है ऐसा कुछ, या तो कुछ गई होगी। लेकिन तब उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तो ये कही कि यही बातें तो मैं, क्योंकि शी वॉज इन वेरी मच एगोनी,
काफी और डिस्टर्ब थी, और उसने फिर तब ये बात कही कि लेकिन यही बातें तो मैं पहले से भी बोलती थी, लेकिन तब तो आप कुछ समझ नहीं पाते थे, कम से कम ये UHU के साथ जुड़ने के बाद आपको कम से कम ये बात तो अभी समझ तो भी आ रही है। तो शायद वो एक बहुत एक डिफाइनिंग पॉइंट मैं बोलूँगा कि जहाँ से मुझे UHU का लाइफ में क्या रोल हो सकता है ये समझ में आया। और फिर उसके साथ में फिर एक अभी समझिए बंधन ही बना है कि UHU के साथ ही शायद जीना हो सकता है, क्योंकि जो तृप्तिपूर्वक जीना है, एक तो मैं मेरे खुद के बल पे समझदार बन सकता हूँ, लेकिन शायद उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन एक UHU है कि जो मुझे इस इतना सक्षम बना सकता है कि मैं तृप्तिपूर्वक जी सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो फिर ये जर्नी फिर कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी। फिर वो वर्कशॉप्स में जब कर रहा था, लेकिन तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा था, लेकिन इतने विजिबल चेंजेस जैसे मुझ में चाहिए वैसे तो मुझे नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब ये एक्सरसाइज 1-2 के साथ में मैं जुड़ा, तीसरा है, तो जो कुछ भी मैं, मुझे लगता है जो कुछ भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये तीनों का मिलके, या तो जब से मैं UHU के साथ में जुड़ा हूँ, और ये जो इनफैक्ट 6 बैच है, लेकिन मैं लगभग 3rd बैच से ही जुड़ा हूँ, तो ये सारे बैचों में से धीरे धीरे काफी स्लो प्रोग्रेस मुझे लग रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन परसों प्रिया दीदी ने पूछा था कि आई एम ए स्लो लर्नर, तो शायद वो मेरा भी था, लेकिन जब सर ने बताया कि नहीं, फिर आपका जहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहीं पे आपका ध्यान रहेगा, तो फिर मुझे भी बात समझ में आ रही है कि शायद मैं इतना इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा था, तो अभी मैं नेक्स्ट जो बैच रहेगी उसके ज्यादा काम करने का प्रयास करूंगा। अभी जब एक्सरसाइज 1 और 2 शुरू हो गए, और फिर तब शुरुआत में जो एक बात आई कि आपको तो समझना तो तीन ही वस्तुओं को समझना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि पहले ये सारी बातें ऐसा लगता है कि बहुत जटिल बातें हैं, बहुत कुछ काम करना है, लेकिन उसको इतना सिंपल इसमें लाया कि आपको तो 3 बातों को ही समझना है। एक तो चैतन्य को समझना है, एक जड़ वस्तु को समझना है जैसे शरीर को, और एक जो शून्य है, शून्य के समझना और सअस्तित्व को समझना है। तो फिर ध्यान में आ गए तो ये तो फिर ठीक है, अगर 3 बातों को ही समझना है तो उसके लिए तो काफी सरल है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस भाव के साथ फिर मैं ध्यान दे रहा था। तो जब अभी अभ्यास 1 की बात अगर मैं करूँ, तो उसमें जो फर्स्ट है कि सजग रहे और अपनी कल्पनाशीलता को देखे, तो अभी मैं बहुत बार इसको देख पाता हूँ, जब जब ध्यान आता है और देता हूँ, और हर व्यक्ति जब मुझे मिलता है और कोई सिचुएशन है तो मैं खुद में देख पाता हूँ। तो सजग रहने का ये जो कार्यक्रम है, ये तो इसमें मुझे इजी एक साथ में मैं इसको कर पाता हूँ। उसी के साथ में अपने में जो भाव चल रहा है, मुझ में जो इच्छा और भाव चल रहा है, उसे भी मैं देख पाता हूँ। और अभी थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ भी रहा है कि उसी क्षण देख पाता हूँ, और फिर जो आप भाव है वो मुझे स्वीकार है या नहीं, सह स्वीकार्य है या नहीं, तो उसमें भी ध्यान जाता है। क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं है तो मुझ में जो इरिटेशन का भाव आता है और जो काफी डिस्टर्ब करता है, तो तुरंत मेरे मतलब वो मैं देख पाता हूँ कि नहीं नहीं ये तो कुछ विरोध का भाव मुझ में बन रहा है और वो तो मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है। और जब मुझ में संबंध का भाव चलता है तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, और जब ये इस तरह का विरोध का भाव बनता है तो मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ। तो ये भी मैं खुद में देख पाता हूँ। स्टेप नंबर 4 जो है कि आप में जो भाव चल रहा है इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसको भी मैं देख पाता हूँ। बहुत बार जब किसी पार्टिसिपेंट्स के साथ में जब मैं शेयर करता हूँ, तो उससे उनको बताते हुए मुझे भी बहुत क्लैरिटी आती है। जैसे कि एक वर्कशॉप में ग्रुप डिस्कशन में दूसरे दिन के ग्रुप डिस्कशन में जब पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि उनको जब उनके HOD ने वर्कशॉप के लिए भेजा था, और तब तो उनको विरोध का भाव आया, HOD के बारे में गुस्सा आया था कि ये मुझे कि 3 दिन के लिए भेज रहे, मेरा काफी यहाँ पे
वर्क पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जब उन्होंने वर्कशॉप एक दिन का वर्कशॉप करने के बाद उनके ध्यान में आ गया कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तो अभी वो कम्फर्टेबल है। तो फिर जब उनसे मैंने ये पूछा कि पहले जो आपने विरोध का भाव बनाया उसका डिसीजन किसने लिया था, तो उन्होंने बोला हाँ आपने, और अभी जो संबंध का भाव आप देख पा रही हो एक दिन के बाद इसका डिसीजन किसने लिया, तो उन्होंने बोला हाँ वो भी मैंने ही लिया है। और फिर उन्होंने बोला फिर इसके लिए मतलब आपको अगर आप दुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और सुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो काफी कंफर्टेबल उनके ध्यान में आ गया और मेरे ध्यान में भी आ गया कि नहीं यही तो बात है कि जब कोई भाव मुझ में जो चल रहा है, संबंध का चल रहा है विरोध का चल रहा है, उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। तो मैं ये भी देख पाता हूँ कि किसी के साथ में कोई डिस्कशन करता हूँ कंटेंट का, तो फिर उसमें मेरी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो स्टेप नंबर 5 है कि आपने जो भाव चल रहा है इसका निर्णय आपने किस आधार पर लिया, कि किसी मान्यता के आधार पर या सही समझ के आधार पर। तो मैं ये देख पाता हूँ कि सही समझ के आधार पर लेने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर वो ध्यान में नहीं जाता है। तो फिर ट्रस्ट का जो एक फीलिंग है, ट्रस्ट में जो हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, उस क्राइटेरिया के साथ में फिर जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्लैरिटी के साथ में ये ध्यान में आता है। क्योंकि कभी कभी ये मान्यता सही समझ ये इतना मेरी समझ नहीं बनी है। जैसे 15 दिन पहले मैं ट्रेन से जा रहा था, तो वहां पे 3 सीट्स रहती है और मैं एंड मतलब एक विंडो की मिडल और एंड की सीट में मैं बैठा था। और तो फिर एक लोकल ट्रेन में किसी स्टेशन में एक यंग सा लड़का था, वो आया। और जनरली फिर ट्रेन में तो हमको मतलब अगर कोई लेडी है तो फिर जनरली वो एंड में बैठती है। तो फिर वो जनरली अगर ऐसा कुछ है हमारे साथ में तो हम थोड़ा सा उनको टैप करके एक रिक्वेस्ट के भाव से बोलते हैं तो हट ही जाता है, और उनको ध्यान में आया तो भी वो मिडल में बैठ जाते हैं ताकि जो लेडी है वो एंड सीट में बैठे। लेकिन वो जैसे ही आए और उन्होंने जैसा एक हाथ से ही मुझे बहुत इशारा किया और वो इतना ये था कि चलो हटो यहाँ से, और तो मैंने उनकी तरफ देखा, उनका जो जेस्चर था हाथ करने का तुरंत मेरा एक विरोध का भाव बना। लेकिन तभी मैं तो थोड़ा मोड़ा तो मैंने देखा कि वहां पे लेडी है, तो मैं अपने आप हट गया और फिर वो वहां पे बैठ गई, शायद उनकी माता जी थी तो वहां पे वो बैठ गई। और फिर लेकिन मैं उनकी तरफ देख रहा था तो उनका फेस भी वैसे ही था और शायद वो उनका नेचुरल यही था, लेकिन मुझ में वो विरोध का भाव चल ही रहा था। लेकिन तब मेरे ध्यान में आ गया कि फिर शायद इनका कॉम्पिटेंस ही कम है, का इंटेंशन तो शायद मेरे साथ में सुखी करने का है, और वो चाहते तो मुझे एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में या तो मेरे सामने आके फिर मुझे बोलते थे आप जरा हटिए, उनको बैठना है, उनकी माता जी को बैठना है, लेकिन शायद उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है। लेकिन ये विरोध, और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था और मेरे भाव को देख रहा था, फिर उनका पूरा एक जो रूप है वो मैं देख पा रहा था कि, लेकिन उससे फिर मैं थोड़ा सा सहजता में आ गया। विरोध का जो भाव है वो धीरे 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 कम हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और स्टेप नंबर 7 जो है उसके ऊपर तो मुझे काम करना, मतलब स्टेप नंबर 6 और 7 एग्जांपल के साथ में मैं देख पाता हूँ कि उनका ये जो बिहेवियर है कि एक उन्होंने एकदम ऑर्डर, एक जिस तरह से हम किसी को हुक्म देते उस तरह से जैसा उन्होंने मुझे बोला तो वो भाव मुझ में बना। तो मुझे लगता है कि वो भाव यहाँ से अगर इस तरह से अगर भाव नहीं बने और मैं पूर्ण मतलब इस संबंध को अगर शुरुआत से ही देख पाऊँ तो फिर वो मेरे सुख के अर्थ में रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। और स्टेप नंबर 7 जो है ये तो मुझे लगता है कि एक निरंतर करने की चीज है कि ये सुनिश्चित मुझे करना होगा कि मुझ में जो भाव चल रहा है वो एक संबंध का भाव चल रहा है, तो व्यवस्था के अर्थ में और सह अस्तित्व के अर्थ में वो मेरा भाव अगर बना, मुझे मैं जो चाहता हूँ कि तृप्तिपूर्वक जीना वो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये तो बात मुझे क्लैरिटी इस बारे में। लेकिन फिर मैंने एक वर्कशॉप 1 और 2 को करने के बाद जब मेरे बात ये ध्यान में आई तब से कि इससे एक हो रहा है कि पूरे दिन अभी मैं बहुत ही एक आराम से रहता हूँ, और पहले शाम को 7-8 बजे पूरा एग्जर्शन ट्रैवलिंग, कॉलेज में लेक्चर्स, वर्क,
या तो फिर देश के साथ में, और फिर शायद कुछ कहाँ ना कहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट, या तो नॉट एग्जैक्ट बड़े आर्ग्यूमेंट नहीं, लेकिन हमने कुछ बातें रखी, उन्होंने नहीं मानी। एक छोटी सी भी बात रहती है, जैसे कि किसी असिस्टेंट एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आया है, किसी एक दूसरे असिस्टेंट को पूछा कि आप उनका लेक्चर लेते हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सर मेरा दूसरा काम है, तो फिर हम दूसरे को पूछते हैं, कोई यस या नो बोलता है, लेकिन फिर वो जब तक लोग कोई यस नहीं आता है तब तक पहले दूसरा तीसरा हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक विरोध का भाव तो बनते जाता रहता है। पहले ने भी ना बोला, दूसरे ने भी ना बोला, तीसरा भी यस नो बोल रहा है, लेकिन फिर मैं तीसरे को कंपलसरी कर दूंगा कि नहीं नहीं अभी आपको तो लेना ही है, और फिर मैं कंफर्टेबल के भाव में आता था। लेकिन अभी मैं देख पाता हूँ कि पहला कोई जब मैं पूछा, और मैं अभी इसके लिए तैयार होता हूँ कि शायद वो ना भी बोले तो भी मैं कुछ नहीं, फिर क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, उन्होंने ना बोला तो भी दूसरा तीसरा है, तो आखिर में कोई नहीं तो मैं भी ले सकता ही हूँ। तो इस भाव के साथ में फिर इस तरह का जब मैं अभी संबंध को देख पाता हूँ कि हाँ ठीक है, उन शायद लोड उनका ज्यादा रहेगा, वो नहीं लेना चाहते है, तो फिर इस भाव के साथ में, और इसे मतलब इसी तरह से उस परिस्थिति के लिए जब मैं खुद को तैयार करता हूँ कि नहीं मुझे तो कम से कम मेरी हारमोनी के लिए जरूर है कि मैं इस संबंध के भाव के साथ में जीऊँ, शायद तो मेरे बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तो भी एक कंफर्टेबल रहता हूँ। और इससे मैंने एक देखा है कि पूरे दिन मेरी एनर्जी बनी रही थी, कि शाम को 7-8 बजे भी मुझे काफी फ्रेश लगता है, कि जो पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 8-9 बजे भी एक मैं खुद में प्रसन्नता मुझे काफी देर तक बनी रहती है, और जब तक ना वो किसी इस इंस्टेंस से डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अगर डिस्टर्ब भी हो गई, अस्वस्थता बनी, तो भी बहुत कम क्षणों के लिए बनी रहती है, और उसको मैं तुरंत तुरंत एक सहजता के भाव में आ पाता हूँ। तो ये एक मैंने खुद में देखा है। जब मैं एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करता हूँ, तो पहले तो हमारी प्री कंडीशनिंग्स तो इतनी बनी रहती है कि हमारे पूरे सेशन में कहाँ पे तो हमने देखा है कि सेल्फ इज सेंट्रल टू द बॉडी। तो जब एक्सरसाइज 1 हुआ था फर्स्ट टाइम और एक्सरसाइज 2 की बात आई थी, तो मैंने तुरंत एक डिसीजन, मुझे लगा रे सेल्फ समझ तो सब कुछ हो गया है, अभी बॉडी को क्या समझना है, बॉडी तो इतने सारे प्री कंडीशंस, इतने सारे प्री जजमेंट्स हमारे होते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर एक्सरसाइज 2 हो रहा था और जब उसके स्टेप्स रियली शुरू हो गए और धीरे धीरे समझ में आने लगे, तो फिर कहाँ ना कहाँ लगने लगा कि एक्सरसाइज 2 भी तो एक्सरसाइज 1 की इतना इम्पोर्टेंट है, या तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये संवेदना और दूसरों से जो भाव पाके सुखी होने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो शरीर के माध्यम से ही हो रहा है, और ये शरीर जो है मेरा, इसकी तरफ तो मुझे ध्यान देना ही है। तो स्टेप नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2 की, तो इसमें जो फर्स्ट है कि मैं चैतन्य हूँ और ये मेरा शरीर है, और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, तो इसे मैं मतलब समझ पाया हूँ कि शरीर और चैतन्य ये दो अलग अलग वास्तविकता है, और मेरे शरीर को चलाने वाली शरीर से छोड़ के दूसरी कोई एक रियलिटी है और वो चैतन्य है, और इन दोनों को मुझे और डीप में समझना है। इन दोनों के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये भी बात अभी समझ में आ रही है कि मैं शरीर को या मैं चैतन्य शरीर को कुछ निर्णय देता हूँ, और उसी तरह से मैं हूँ जो शरीर से संवेदना पढ़ता हूँ, संवेदना को पढ़ना इसका निर्णय मैं लेता हूँ, ये भी बात समझ में आ रही है कि कभी कभी अगर, और ये बात और थोड़ी क्लैरिटी के बाद समझ में आई जब जो स्कैनिंग का जो एक्सरसाइज चल रहा था, कि जब भैया ने बोला था कि आप बैठिए और पूरे सर से लेके पैर तक आपके लास्ट फिंगर तक अपने बॉडी को पूरा स्कैन कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, और एक्सरसाइज जब मैं कर रहा था तो फिर दिखाई दिया कि आंखों में कुछ थोड़ा सा दर्द जैसा है, टीथ में भी थोड़ा पेन हो रहा है, उसी तरह से फिर कंधे में सेंसेशन है, मैं जस्ट चेयर में बैठा हूँ वहां से कुछ मुझे सेंसेशंस आ रही है, मेरे पैर टाइल्स को जहाँ पे टच कर रहे हैं वहां से जो कोल्ड टाइल कोल्ड होने से मॉर्निंग में वो भी आ रहा है। लेकिन फिर मैं ये देख पाया कि जब मैं पूरा सेशन में बिजी हूँ तो इनमें से किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं था,
इन सारों को मैंने तो इग्नोर किया था। और फिर धीरे धीरे मैं पीछे देखा, फिर बहुत सारी घटनाएं याद आती है कि जैसे एक दिन शाम को मेरा एक सेशन था और काफी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे एक प्रेजेंटेशन देना था और मैंने पीपीटी लगाया और उसी क्षण लाइट चला गया। तो एक तो फिर लकीली मैं लैपटॉप के ऊपर था तो बैटरी तो लैपटॉप तो शुरू था, तुरंत मैंने फिर मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू किया, कनेक्ट हो गया और फिर मैंने प्रेजेंटेशन की। उसमें प्रिंसिपल थे, बाकी एचओडीज भी थे, तो फिर और फिर वो प्रेजेंटेशन मैं दिया। और जनरली फिर ऐसा कुछ रहता है तो फिर मैं बिल्कुल रूम को बंद करके, वो समर का सेशन था, मैंने एसी भी चालू किया था, दरवाजा बंद था, फिर रोड, क्योंकि घर रोड पे ही है तो मैंने विंडोज बंद किए थे, कर्टन भी डाला था, लेकिन वहां पे कुछ मेरा ध्यान नहीं था। मैंने पूरा जब वो प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग भी खत्म हो गई और जब मैं रूम से बाहर आ गया तो मैंने देखा कि मेरा बनियन पूरा वेट हो चुका था। फिर जब मैंने इस घटना के बारे में सोचा तो फिर ध्यान में आया कि उस क्षण के लिए सेल्फ ने डिसीजन लिया था कि ये प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है और ना कि ये जो बाहर जो गर्मी हो रही है। तब ही नहीं चला, जब रूम से बाहर आया तो ही पता चला कि नहीं नहीं ये तो फिर और फिर मैं उसको देख भी पाया कि नहीं नहीं फिर शायद उस क्षण फिर मैंने मेरे ने लिया था कि शरीर से ये जो संवेदना उसको पूरा निग्लेक्ट करना है और ये प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। और स्टेप नंबर 4 में जो मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ता हूँ, मैं और शरीर के बीच दूरी है, कैन का जो मैं कर रहा था तब मैं ये देख पा रहा था कि शरीर में अलग अलग जगह संवेदना है और मैं तो हर एक को पढ़ रहा हूँ तो मैं और शरीर के बीच में दूरी है। ये सब कर भी रहा हूँ लेकिन एक यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ तो भी लगता है कि ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको अभी मुझे थोड़ा डीपली समझना है, लेकिन अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ उसको ये बता रहा हूँ। और ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग में मुझे एक बात बहुत अच्छी भी लगती है कि मैं अभी तक कितना, क्योंकि ये तो जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन अभी तक मैं कितना समझ पाया और भी कितना बाकी है, इसका एक जजमेंट मुझे इस शेयरिंग के साथ में आता है। तो उस हिसाब से भी ये शेयरिंग एक काफी अच्छा रहता और मुझे काफी अच्छा लगता है। और जो स्टेप नंबर 5 है कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता और उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, देख पाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें होती है। जैसे एक महीना पहले कॉलेज में जाना था और जल्दी में था सुबह में, और तुरंत मेरे ध्यान में आया कि नेल्स तो बहुत बड़े हैं, तो फिर मैंने पत्नी को पूछा कि वो नेल कटर कहाँ पे है, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा जवाब आया कि लास्ट समय आपने जहाँ पे रखा था वहीं पे रहेगा। तो फिर मैं वो जवाब सुना और उधर ही रुका, फिर ध्यान में आ गया कि नहीं बात तो ठीक है, फिर मैंने लिया। लेकिन यही जवाब बहुत साल जब पहले आया था तब मुझे एकदम गुस्सा हो गया था कि ये क्या जवाब हुआ, कि कम से ठीक से बता सकते कि यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, मुझे तो समय की कमी है। और तब मेरा रिएक्शन, तब मेरा भाव तो विरोध का ही बना था, लेकिन अब जब यही आंसर आया तो फिर मैं देख पाया और फिर इनफैक्ट मैं खुद में थोड़ा सा मुस्कुराया कि अरे ठीक है, ये तो जवाब तो ठीक ही है। फिर वो नेल कटर मैंने ढूंढ लिया और फिर मतलब नेल्स कट किए और हो गया काम। लेकिन फिर मैं ये देख पाया कि दोनों भी इंस्टेंसेस में जवाब वही था, लेकिन जब वो विरोध का भाव चल रहा था तब मैंने उसको मैंने एक दूसरा अर्थ दिया था और मैं अनकंफर्टेबल था। और अभी जब मैं इस संबंध को, भाव को थोड़ा सा देख पा रहा हूँ तो फिर मैंने उसको अलग अर्थ दिया कि ठीक है, और फिर मैं अभी कंफर्टेबल बन पा रहा हूँ। स्टेप नंबर 6 में जब हम बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव निर्णय करता हूँ तो संवेदना को तो मैं ही पढ़ता हूँ, उसमें जो अर्थ देना है, जैसे कि एक एसी का एग्जाम्पल है वहां पे भी कि उसको इग्नोर करना है, या तो यहाँ पे उसको उस संवेदना उसके साथ में उसको क्या अर्थ देना, ये भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। और अगर मेरी समझ बनी है तो फिर मैं उसको ठीक ठाक अर्थ दे पाता, मतलब संबंध कर देख पाता हूँ, लेकिन समझ नहीं है तो फिर मैं उसको अलग अर्थ देता हूँ। और जब ये सजग रहने की बात होती है, और उसी तरह से इसमें और भी मैंने एक बात ये देखी कि जब मैं अवेयर होता हूँ, जब मैं खुद में सजग होता हूँ तो शायद मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि सामने वाले का बिहेवियर अलग रहेगा और मुझे तो संबंध के साथ में ही जीना है।
लेकिन अगर मैं सजग नहीं हूँ तो फिर मेरा रिएक्शन आ जाता है कि जैसे एक बार मैं एटीएम में मुझे पैसे निकालने थे और वहां पे 10-10 हज़ार ही रहते, तो मैं एक दो एटीएम कार्ड्स मैंने रखे थे और निकाल रहा था, तो फिर जैसे ही मैंने 2-3 बार निकाले तो पीछे से जो क्यू में एक आदमी था तो उसने बोला हम भी क्यू में खड़े हैं। और तब मैं वो एटीएम से पैसे निकालने में इतना बिजी था, शायद मैं सजग नहीं था, तो तुरंत मैंने मुड़ के ऐसा बोला ऐसा कुछ रूल नहीं हो, बड़ी जोर से आवाज में बोला, जोर की आवाज में बोल के फिर मैं बालना हो गया। और जब मैं एटीएम की तरफ देखा तो तुरंत ध्यान में आ गया, अरे अब ध्यान नहीं था, तो इस तरह से अपनी एक रिएक्शन आ गई। कुछ क्षणों के लिए मैं एकदम ऐसा उत्तेजित हो गया था, काफी तुरंत एंगर, क्योंकि वो काम मेरा इम्पोर्टेंट था और मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा था ऐसा मुझे लगा था। फिर मैंने वो पैसे निकाले, बाहर आया और फिर ध्यान में आ गया तो इतना कुछ रिएक्ट होने की जरूरत नहीं थी। ये आंसर तो ठीक में नहीं था क्योंकि वो क्यू में खड़े थे और मैं 10-10-10-10 ये एटीएम कार्ड वो एटीएम कार्ड निकाल रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो फिर उनका भी इस तरह से बात करना सहज था। तो मैं ये बोल सकता था कि भैया सॉरी मेरा थोड़ा अर्जेंट है और दो निकाल के, इतना एक या दो ही बाकी है। तो जब मैं सजग रहता हूँ तो फिर मैं अपने भाव को देख पाता हूँ और संबंध पूर्वक भाव, लेकिन फिर इससे मैं ये भी देख पाता हूँ कि शायद ये भाव अभी जिस तरह से प्रस्थापित होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, सहजता से नहीं आ रहे। लेकिन फिर काम तो शुरू है और मुझे लगता है कि हर समय मैं इसको सजग हो पाऊंगा। और दूसरा फिर ये देखा कि मैं सजग भी हूँ, लेकिन अगर जब नए आदमी कोई मिलता है तो उसके साथ में ये संबंध के भाव को मैं तुरंत पहचान पाता हूँ और उसके साथ में निर्वाह कर पाता हूँ। लेकिन स्पेशली अगर कोई एक आदमी है कि जिसके भूतकाल में मेरे साथ में कुछ आर्गुमेंट हुआ होगा, उसने कुछ बातें गलत बातें की होगी, तो गलत बातें का एक प्री कंडीशनिंग जब मुझ में रहता है तो फिर ये संबंध का भाव बनाने में मुझे बहुत समय लगता है। तो उसके साथ में फिर ये संबंध का भाव बनाने में मुझे काफी समय लगता है। जैसे हमारे पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और जब वो यहाँ पे थे तो काम कुछ ठीक नहीं था और मुझे उनको बार बार बताना पड़ता था कि, और स्टूडेंट से भी थोड़ी मतलब कंप्लेंट्स थी, तो फिर उन्हें छोड़ दिया था। फिर से उन्होंने अप्लाई किया और फिर वो ज्वाइन करना चाहते थे, तो फिर मैंने काफूस किया था कि वो कुछ इतना ठीक नहीं है। तो जब वो आए तो भी वो विरोध का भाव मुझ में जो बना था वो वैसे था, मतलब मैं सजग भी था, मैं देख पा रहा था कि मुझे ये भाव सहज स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वो जब आए तो फिर तब मैं उनसे बात तो कर पा रहा था, बाहर से तो मेरा बातें करने का ये अच्छा था, लेकिन अंदर से कहाँ ना कहाँ पे तो विरोध का भाव चल ही रहा था मुझ में। ये भी है कि भाव को शायद मैं अभी इतने अपने में प्रस्थापित नहीं कर पाया हूँ और मुझे काफी उसके ऊपर काम करना ही है। और जो स्टेप नंबर 7 है कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, तो मैं इन तीनों चीजों एक मिनिमम एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सूचना के रूप में तो मैं देख पाता हूँ कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और ये शून्य भी है, और मैं और शरीर तो सह अस्तित्व में, और हम दोनों भी इस शून्य में है देख पाता हूँ। लेकिन समझने के लिए शायद मुझे और समय की जरूरत है। तो ये अभ्यास 1 और 2 से जो मेरी जो कुछ भी मैं समझ पा रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे वो बातें रखी है। अब अभी जब शेयरिंग में जो 4th पॉइंट है कि सुख स्वभाव या प्रभाव, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है, तो मैं ये देख पाता हूँ कि स्पष्टता तो बहुत कुछ बन पाई है लेकिन वो हो नहीं रहा है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो बहुत बार प्रभाव बना रहता है कि स्वीट्स खाना मेरा पॉइंट था, लेकिन अभी मैं उसको बहुत बार ना भी बोलता हूँ लेकिन वो स्वीट से सुखी होने का प्रयास में अभी भी जारी है, लेकिन फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर से ध्यान बहुत कुछ हट गया है। और दूसरे व्यक्ति से, दूसरा कोई मुझे अच्छा बोलेगा और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इस भ्रम से भी काफी मैं भी दूर हटा हूँ। लेकिन कुछ संवेदना से सुखी होने का जो कार्यक्रम है वो शायद इतना मतलब अभी भी शुरू है, ये मैं देख पा रहा हूँ। अब कमिटमेंट की जब बातें करें तो यूएचवी के साथ में जुड़ना है और समझ, और इसमें जो है कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगाते सकते हैं और
भागीदारी कितना कर सकते हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जब मैं इस भागीदारी में करता हूँ, कोई भी वॉलेंटियर का जब काम करता हूँ, तो इनफैक्ट मेरी समझ बन रही है। सब मतलब मुझे, जैसे कि वीडियो कटिंग है तो वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, उसी तरह जब मैं मॉडरेशन मीटिंग्स की बात करता हूँ तो फिर वो मीटिंग को मुझे पूरा 1.5 घंटा बहुत अटेंटिवली सुनना रहता है, तो इससे वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो मैं ये देख पाता हूँ कहाँ ना कहाँ पे, तो जितना मैं वॉलेंटियरिंग करूँगा मतलब मेरी गति बन रही है इस समझ के अर्थ में। तो वॉलेंटियरिंग को तो मैं करना ही चाहता हूँ, क्योंकि कहाँ ना कहाँ तभी मेरी हारमोनी के लिए और मेरे जो परिवार है उसके साथ में रहने के लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। मेरी पत्नी ने भी अभी उन्होंने भी ये FDP इंट्रोडक्टरी कोर्स किया हुआ है, और इस वर्कशॉप में इस जो 6 बैच है उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने उनसे बात की थी कि आप ये रखिए प्रेजेंटेशन, लेकिन वो उनको थोड़ा समय चाहिए, तो शायद अगले वीक या उसके नेक्स्ट वीक में वो भी अपना ट्रेनिंग रखेगी। और आखिर भी मैं सिर्फ इतना ही बात कहूंगा कि UHU के साथ में जुड़ के जो मुझ में जो कुछ भी बदलाव मैं देख पा रहा हूँ और जिस तरह से अभी जीना हो रहा है, मेरे लिए काफी सुखदायक है, और इस जर्नी को मैं जारी रखना चाहता हूँ, और जितना हो सके मेरी तरफ से इतना ज्यादा उतना मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और उसी के साथ में आखिर में सारे रिसोर्स पर्सन्स और समझ बनाने के लिए मुझे हेल्प की है, जिनका जो गाइडेंस मुझे मिला है, उसी तरह से मेरे साथ में जितने भी को एक्सप्लोरर्स हैं उनकी शेयरिंग से, उनके क्वेश्चन से जो मुझ में समझ बनी है, मतलब ये सारा अस्तित्व ही उनकी तरफ मतलब मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते सभी को। मेरा नाम यशवंत पाटिल है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के शिवाजी राव एस जोंदड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड HOD के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे ये लगभग यहाँ पे 27 साल हुए इस इंस्टीट्यूट में। मेरे परिवार में मेरी पत्नी भारती है जो हाउसवाइफ है, और मेरे बच्चों बेटियाँ और एक बेटा, तीनों भी पढ़ रहे हैं, अभी उनका एजुकेशन चल रहा है। गांव में मेरा भाई जो खेती करता है अपने परिवार के साथ में वहां पे रहता है, उसके परिवार भी और उसके 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी है, और वो गांव में और मैं यहाँ पे रहता हूँ तो भी एक जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। इस UHU के साथ में जब मेरा जुड़ना हुआ था मई 2020 में, और तब मैंने एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था, प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बताया था कि आप इस वर्कशॉप को आपको ज्वाइन करना है। तब तो भाव तो यही था कि शायद ये कुछ मतलब कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, लेकिन जब मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया और जब दूसरा सेशन चालू था, और जब उमेश भैया तब रिसोर्स पर्सन थे और उन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे जीना चाहते हो, संबंध पूर्वक जीना चाहते हो और विरोध पूर्वक जीना चाहते हो, तो मैंने आंसर तो ये दिया था कि मुझे तो संबंध पूर्वक जीना है, लेकिन आंसर देके मैंने वो सबमिट किया और फिर ध्यान इस तरफ जा रहा था कि ये तो नहीं हो रहा है। विरोध का भाव तो चलता ही रहता है, बहुत सारी अपने नजदीक के पर्सन्स के बारे में, चीजों के बारे में, ये परिस्थिति उसके बारे में, तो वहां से कहां पे तो भी मैं ध्यान इस वर्कशॉप की तरफ, तो मुझे लगा नहीं कि कुछ अलग बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन तो भी वर्कशॉप जैसे आगे चल रहा था और बहुत सारी बातें बोली जा रही थी, तब ये भी भाव चल रहा था कि ये तो कुछ अरे अनरियलिस्टिक बातें हो रही है, ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे हो सकता है क्या। जैसे कि फिर आखिर में एक पार्टिसिपेंट ने जब पूछा कि नेचर में तो स्ट्रगल है और आप तो मतलब हार्मोनी की बात करते हैं, तो रिसोर्स पर्सन्स ने उसको मतलब बताया नहीं, और एक्चुअली वो दूसरे दिन या चल रहा था, तो रिसोर्स पर्सन ने बोला नहीं फिर तो हम देखेंगे ना, उसको भी देखेंगे कि क्या नेचर में रियली स्ट्रगल है या व्यवस्था में जी रहे हैं। तो मुझे लगा इसका आंसर ये क्या देंगे, ये तो है ही ना, हम तो देख ही रहे हैं। तो वर्कशॉप में एक मिला जुला
ये रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर मैं वॉलेंटियरिंग करने लगा, और वॉलेंटियरिंग में फिर मुझे FAQ की जिम्मेदारी थी, और जब मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा था, और क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन तो मुझे मेरा ही क्वेश्चन लग रहा था, और कहीं ना कहाँ पे उसका एक रिसोर्स पर्सन द्वारा उसका एक आंसर दिया जा रहा था कि वो ठीक ठाक लग रहा था, और फिर धीरे धीरे मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे मुझे मिल रहे थे, क्योंकि उसके बैक में अगर मैं जाऊँगा लगभग 25-50 साल तक की जिंदगी में जी चुका था, और बहुत बार ऐसा लगता था क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज के लेवल पे ठीक ठाक बहुत अच्छा परिस्थिति बहुत कुछ है ऐसा भी नहीं था, लेकिन बुरी भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी जब मैं बैठता था तो फिर मुझे एक अकेले में बैठता था तो फिर कुछ ऐसा एक वैक्यूम जैसा लगता था कि क्या मैं जो जी रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। कभी कभी संबंधों में जो एक कड़वाहट आती है उसको फिर मैं समझ नहीं पाता था ये क्यों हो रहा है। कहाँ ना कहाँ पे तब मैंने मान लिया था कि अगर फिजिकल फैसिलिटीज घर घर है, गाड़ी है, घर में फर्नीचर है, तो फिर कहाँ ना कहाँ पे तो फिर इतनी तो जरूरत है दूसरे व्यक्ति की, और उसी के साथ में अगर वो नहीं सुखी हो पा रहा है तो भी संबंधों में कुछ बातें हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर इस वर्कशॉप में से तो क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल रहे थे, तो फिर गया, और उसके बाद में फिर एक साल के बाद में ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा ही कुछ पत्नी के साथ में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और फिर उसने जो बातें कही फिर वो मैंने बोला हाँ ठीक है मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है ऐसा कुछ, या तो कुछ गई होगी, लेकिन तब उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तो ये कही कि यही बातें तो मैं, क्योंकि शी वॉज इन वेरी मच एगोनी, काफी वो डिस्टर्ब थी, और उसने फिर तब ये बात कही कि लेकिन यही बातें तो मैं पहले से भी बोलती थी, लेकिन तब तो आप कुछ समझ नहीं पाते थे, कम से कम ये UHU के साथ जुड़ने के बाद आपको कम से कम ये बात तो भी समझ तो भी आ रही है। तो शायद वो एक बहुत एक डिफाइनिंग पॉइंट मैं बोलूंगा कि जहां से मुझे UHU का लाइफ में क्या रोल हो सकता है ये समझ में आया, और फिर उसके साथ में फिर एक अभी समझिए बंधन ही बना है कि UHU के साथ ही शायद जीना हो सकता है, क्योंकि जो तृप्तिपूर्वक जीना है, एक तो मैं मेरे खुद के बल पे समझदार बन सकता हूँ, लेकिन शायद उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन एक UHU है कि जो मुझे इस इतना सक्षम बना सकता है कि मैं तृप्तिपूर्वक जी सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो फिर ये जर्नी फिर कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी। फिर वो वर्कशॉप्स में जब कर रहा था, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा था, लेकिन इतने विजिबल चेंजेस जैसे मुझ में चाहिए वैसे तो मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब ये एक्सरसाइज 1-2 के साथ में मैं जुड़ा, तीसरा है, तो जो कुछ भी मैं मुझे लगता है जो कुछ भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये तीनों का मिलके, या तो जब से मैं UH के साथ में जुड़ा हूँ, और ये जो इनफैक्ट 6 बैच है, लेकिन मैं लगभग 3rd बैच से ही जुड़ा हूँ, तो ये सारे बैचों में से धीरे धीरे काफी स्लो प्रोग्रेस मुझे लग रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन परसों प्रिया दीदी ने पूछा था कि आई एम ए स्लो लर्नर, तो शायद वो मेरा भी था, लेकिन जब सर ने बताया कि नहीं फिर आपका जहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहीं पे आपका ध्यान रहेगा, तो फिर मुझे भी बात समझ में आ रही है कि शायद मैं इतना इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा था, तो अभी मैं नेक्स्ट जो बैच रहेगी उसके ज्यादा काम करने का प्रयास करूंगा। अभी जब एक्सरसाइज 1 और 2 शुरू हो गए, और फिर तब शुरुआत में जो एक बात आई कि आपको तो समझना तो तीन ही वस्तुओं को समझना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि पहले ये सारी बातें ऐसा लगता है कि बहुत जटिल बातें हैं, बहुत कुछ काम करना है, लेकिन उसको इतना सिंपल इसमें लाया कि आपको तो 3 बातों को ही समझना है, एक तो चैतन्य को समझना है, एक जड़ वस्तु को समझना है जैसे शरीर को, और एक जो शून्य है शून्य के समझना और सअस्तित्व को समझना है। तो फिर ध्यान में आ गए तो ये तो फिर ठीक है, अगर 3 बातों को ही समझना है तो उसके लिए तो काफी सरल है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो इस
भाव के साथ फिर मैं ध्यान दे रहा था। तो जब अभी अभ्यास वन की बात अगर मैं करूँ तो उसमें जो फर्स्ट है कि सजग रहे और अपनी कल्पनाशीलता को देखे, तो अभी मैं बहुत बार इसको देख पाता हूँ। जब जब ध्यान आता है और देखता हूँ, और हर व्यक्ति जब मुझे मिलता है और कोई सिचुएशन है तो मैं खुद में देख पाता हूँ। तो सजग रहने का ये जो कार्यक्रम है ये तो इसमें मुझे इसने के साथ में मैं इसको कर पाता हूँ। उसी के साथ में अपने में जो भाव चल रहा है, मुझ में जो इच्छा और भाव चल रहा है उसे भी मैं देख पाता हूँ। और अभी थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ भी रहा है कि उसी क्षण देख पाता हूँ और फिर जो आप भाव है वो मुझे स्वीकार्य है या नहीं, सह स्वीकार्य है या नहीं, तो उसमें भी ध्यान जाता है। क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं है तो मुझ में जो इरिटेशन का भाव आता है और जो काफी डिस्टर्ब करता है, तो तुरंत मेरे मतलब वो मैं देख पाता हूँ कि नहीं नहीं ये तो कुछ विरोध का भाव मुझ में बन रहा है और वो तो मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है। और जब मुझ में संबंध का भाव चलता है तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, और जब ये इस तरह का विरोध का भाव बनता है तो मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ। तो ये भी मैं खुद में देख पाता हूँ। स्टेप नंबर फोर जो है कि आप में जो भाव चल रहा है इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसको भी मैं देख पाता हूँ। बहुत बार जब किसी पार्टिसिपेंट्स के साथ में जब मैं शेयर करता हूँ तो उससे उनको बताते हुए मुझे भी बहुत क्लैरिटी आती है। जैसे कि एक वर्कशॉप में ग्रुप डिस्कशन में दूसरे दिन के ग्रुप डिस्कशन में जब पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि उनको जब उनके एचओडी ने वर्कशॉप के लिए भेजा था और तब तो उनको विरोध का भाव आया, एचओडी के बारे में गुस्सा आया था कि मुझे कि 3 दिन के लिए भेज रहे, मेरा काफी यहाँ पे वर्क पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जब उन्होंने वर्कशॉप एक दिन का वर्कशॉप करने के बाद उनके ध्यान में आ गया कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तब योग कंफर्टेबल है। तो फिर जब उनसे मैंने ये पूछा कि पहले जो आपने विरोध का भाव बनाया उसका डिसीजन किसने लिया था, तो उन्होंने बोला हाँ आपने, और अभी जो संबंध का भाव आप देख पा रही हो एक दिन के बाद इसका डिसीजन किसने लिया, तो उन्होंने बोला हाँ वो भी मैंने ही लिया है। और फिर उन्होंने बोला फिर इसके लिए मतलब आपको अगर आप दुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और सुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो काफी कंफर्टेबल उनके ध्यान में आ गया और मेरे ध्यान में भी आ गया कि नहीं यही तो बात है कि जब कोई भाव मुझ में जो चल रहा है, संबंध का चल रहा है विरोध का चल रहा है, उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। तो मैं ये भी देख पाता हूँ कि किसी के साथ में कोई डिस्कशन करता हूँ कंटेंट का, तो फिर उसमें मेरी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो स्टेप नंबर 5 है कि आपने जो भाव चल रहा है इसका निर्णय आपने किस आधार पर लिया, कि किसी मान्यता के आधार पर या सही समझ के आधार पर। तो मैं ये देख पाता हूँ कि सही समझ के आधार पर लेने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर वो ध्यान में नहीं जाता है। तो फिर ट्रस्ट का जो एक फीलिंग है, ट्रस्ट में जो हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, उस क्राइटेरिया के साथ में फिर जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्लैरिटी के साथ में ये ध्यान में आता है। क्योंकि कभी कभी ये मान्यता सही समझ ये इतना मेरी समझ नहीं बनी है कि जैसे 15 दिन पहले मैं ट्रेन से जा रहा था तो वहाँ पे 3 सीट्स रहती है और मैं एंड मतलब एक विंडो की मिडल और एंड की सीट में मैं बैठा था। तो फिर एक लोकल ट्रेन में किसी स्टेशन में एक यंग सा लड़का था वो आया, और जनरली फिर ट्रेन में तो हमको मान लिया अगर कोई लेडी है तो फिर जनरली वो एंड में बैठती है, तो फिर वो जनरली अगर ऐसा कुछ है हमारे साथ में तो हम थोड़ा सा उनको टैप करके एक रिक्वेस्ट के भाव से बोलते हैं तो हट ही जाता है और उनको ध्यान में आया तो भी वो मिडल में बैठ जाते हैं ताकि जो लेडी है वो एंड सीट में बैठे। लेकिन वो जैसे ही आए और उन्होंने जैसा एक हाथ से ही मुझे बहुत इशारा किया और वो इतना ये था कि चलो हटो यहाँ से, और तो मैंने उनकी तरफ देखा, उनका जो जेस्चर था हाथ करने का तुरंत मेरा एक विरोध का भाव बना। लेकिन तभी मैं तो थोड़ा मोड़ा तो मैंने देखा कि वहां पे लीडी है तो मैं अपने आप हट गया और फिर वो वहां पे बैठ गई, शायद उनकी माता जी थी तो वहां पे वो बैठ गई। और फिर लेकिन मैं उनकी तरफ देख रहा था तो उनका फेस भी वैसे ही था और शायद वो उनका नेचुरल यही था, लेकिन मुझ में वो विरोध का भाव चल ही रहा था। लेकिन तब मेरे ध्यान में आ गया कि फिर शायद इनका कॉम्पिटेंस ही कम है, इनका इंटेंशन तो शायद मेरे साथ में सुखी करने का है और वो
चाहते तो मुझे एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में या तो मेरे सामने आके फिर मुझे बोलते थे आप जरा हटिए, उनको बैठना है, उनके माताजी को बैठना है, लेकिन शायद उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है। लेकिन ये विटक और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था और मेरे भाव को देख रहा था, फिर उनका पूरा एक जो रूप है वो मैं देख पा रहा था कि, लेकिन उससे फिर मैं थोड़ा सा इस सहजता में आ गया। विरोध का जो भाव है वो धीरे 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 कम हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और स्टेप नंबर 7 जो है उसके ऊपर तो मुझे काम करना, मतलब स्टेप नंबर 6 और 7 एग्जाम्पल के साथ में मैं देख पाता हूँ कि उनका ये जो बिहेवियर है कि एक उन्होंने एकदम ऑर्डर, एक जिस तरह से हम किसी को हुक्म देते उस तरह से जैसा उन्होंने मुझे बोला तो वो भाव मुझ में बना, तो मुझे लगता है कि वो भाव यहाँ से अगर इस तरह से अगर भाव नहीं बने और मैं पूर्ण मतलब इस संबंध को अगर शुरुआत से ही देख पाऊँ तो फिर वो मेरे सुख के अर्थ में रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। और स्टेप नंबर 7 जो है ये तो मुझे लगता है कि एक निरंतर करने की चीज है कि ये सुनिश्चित मुझे करना होगा कि मुझ में जो भाव चल रहा है वो एक संबंध का भाव चल रहा है, और व्यवस्था के अर्थ में और सह अस्तित्व के अर्थ में वो मेरा भाव अगर बना, मुझे मैं जो चाहता हूँ कि तृप्तिपूर्वक जीना वो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये तो बात मुझे क्लैरिटी इस बारे में। लेकिन फिर मैंने एक वर्कशॉप 1 और 2 को करने के बाद जब मेरे बात ये ध्यान में आई तब से कि इससे एक हो रहा है कि पूरे दिन अभी मैं बहुत ही एक आराम से रहता हूँ, और पहले शाम को 7-8 बजे पूरा एग्जर्शन ट्रैवलिंग कॉलेज में लेक्चर्स वर्क या तो फिर इसके साथ में और फिर शायद कुछ कहाँ ना कहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट या तो नॉट एग्जैक्ट बड़े आर्ग्यूमेंट नहीं लेकिन हमने कुछ बातें रखी उन्होंने नहीं मानी, एक छोटी सी भी बात रहती है जैसे कि किसी असिस्टेंट कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आया है, किसी एक दूसरे असिस्टेंट को पूछा कि आप उनका लेक्चर लेते हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सर मेरा दूसरा काम है, तो फिर हम दूसरे को पूछते हैं कोई यस या नो बोलता है, लेकिन फिर वो जब तक लोग कोई यस नहीं आता है तब तक पहले दूसरा तीसरा हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक विरोध का भाव तो बनते जाता रहता है, पहले ने भी ना बोला दूसरे ने भी ना बोला तीसरा भी यस नो बोल रहा है, लेकिन फिर मैं तीसरे को कंपल्सरी कर दूंगा कि नहीं नहीं अभी आपको तो लेना ही है, और फिर मैं कंफर्टेबल के भाव में आता था। लेकिन अभी मैं देख पाता हूँ कि पहला कोई जब मैं पूछा और मैं अभी इसके लिए तैयार होता हूँ कि शायद वो ना भी बोले तो भी मैं कुछ नहीं, फिर क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, उन्होंने ना बोला तो भी दूसरा तीसरा या तो आखिर में कोई नहीं तो मैं भी ले सकता ही हूँ, तो इस भाव के साथ में फिर इस तरह का जब मैं अभी संबंध को देख पाता हूँ कि हाँ ठीक है उन शायद लोड उनका ज्यादा रहेगा वो नहीं लेना चाहते है, तो फिर इस भाव के साथ में और इसे मतलब इसी तरह से उस परिस्थिति के लिए जब मैं खुद को तैयार करता हूँ कि नहीं मुझे तो कम से कम मेरी हारमोनी के लिए जरूर है कि मैं इस संबंध के भाव के साथ में जीऊँ, शायद तो मेरे बारे में सोच रहा हूँ लेकिन तो भी एक कंफर्टेबल रहता हूँ। और इससे मैंने एक देखा है कि पूरे दिन मेरी एनर्जी बनी रही थी कि शाम को 7-8 बजे भी मुझे काफी फ्रेश लगता है कि जो पहले ऐसा नहीं था, इनफैक्ट 8-9 बजे भी एक मैं खुद में प्रसन्नता मुझे काफी देर तक बनी रहती है और जब तक ना वो किसी इस इंस्टेंस से डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अगर डिस्टर्ब भी हो गई असहजता बनी तो भी बहुत कम क्षणों के लिए बनी रहती है और उसको मैं तुरंत तुरंत एक सहजता के भाव में आ पाता हूँ, तो ये एक मैंने खुद में देखा है। जब मैं एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करता हूँ तो पहले तो हमारी प्री कंडीशनिंग्स तो इतनी बनी रहती है कि हमारे पूरे सेशन में कहाँ पे तो हमने देखा है कि सेल्फ इज सेंट्रल टू द बॉडी, तो जब एक्सरसाइज 1 हुआ था फर्स्ट टाइम और एक्सरसाइज 2 की बात आई थी तो मैंने तुरंत एक डिसीजन मुझे लगा रहे सेल्फ समझ तो सब कुछ हो गया है, अभी बॉडी को क्या समझना है, बॉडी तो इतने सारे प्री कंडीशंस इतने सारे प्री जजमेंट्स हमारे होते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर एक्सरसाइज 2 हो रहा था और जब उसके स्टेप्स रियली शुरू हो गए और धीरे धीरे समझ में आने लगे तो फिर कहाँ ना कहाँ लगने लगा कि एक्सरसाइज 2 भी तो एक्सरसाइज 1 की इतना इम्पोर्टेंट है, या तो हो सकता है कि उससे
ज्यादा है, क्योंकि ये संवेदना और दूसरों से जो भाव पाके सुखी होने का हम प्रयास कर रहे हैं वो तो शरीर के माध्यम से ही हो रहा है। और ये शरीर जो है मेरा, इसकी तरफ तो मुझे ध्यान देना ही है। तो स्टेप नंबर वन जो है एक्सरसाइज टू की, तो इसमें जो फर्स्ट है कि मैं चैतन्य हूँ और ये मेरा शरीर है और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तो इसे मैं मतलब समझ पाया हूँ कि शरीर और चैतन्य ये दो अलग अलग वास्तविकता है, और मेरे शरीर को चलाने वाली शरीर से छोड़ के दूसरी कोई एक रियलिटी है और वो चैतन्य है, और इन दोनों को मुझे और डीप में समझना है। इन दोनों के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये भी बात अभी समझ में आ रही है कि मैं शरीर को या मैं चैतन्य शरीर को कुछ निर्णय देता हूँ, और उसी तरह से मैं हूँ जो शरीर से संवेदना पढ़ता हूँ, संवेदना को पढ़ना इसका निर्णय मैं लेता हूँ, ये भी बात समझ में आ रही है कि कभी कभी अगर, और ये बात और थोड़ी क्लैरिटी के बाद समझ में आई जब जो स्कैनिंग का जो एक्सरसाइज चल रहा था, कि जब भैया ने बोला था कि आप बैठिए और पूरे सर से लेके पैर तक आपके लास्ट फिंगर तक अपने बॉडी को पूरा स्कैन कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, और एक्सरसाइज जब मैं कर रहा था तो फिर दिखाई दिया कि आंखों में कुछ थोड़ा सा दर्द जैसा है, टीथ में भी थोड़ा पेन हो रहा है, उसी तरह से फिर कंधे में सेंसेशन है, मैं जस्ट चेयर में बैठा हूँ वहां से कुछ मुझे सेंसेशंस आ रही है, मेरे पैर टाइल्स को जहाँ पे टच कर रहे हैं वहां से जो कोल्ड टाइल कोल्ड होने से मॉर्निंग में वो भी आ रहा है। लेकिन फिर मैं ये देख पाया कि जब मैं पूरा सेशन में बिजी हूँ तो इनमें से किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, इन सारों को मैंने तो इग्नोर किया था। और फिर धीरे धीरे मैं पीछे देखा, फिर बहुत सारी घटनाएं याद आती है कि जैसे एक दिन शाम को मेरा एक सेशन था और काफी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे एक प्रेजेंटेशन देना था, और मैंने पीपीटी लगाया और उसी क्षण लाइट चला गया। तो एक तो फिर लकीली मैं लैपटॉप के ऊपर था तो बैटरी तो लैपटॉप तो शुरू था, तुरंत मैंने फिर मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू किया, कनेक्ट हो गया और फिर मैंने प्रेजेंटेशन की, उसमें प्रिंसिपल थे बाकी एचओडीज भी थे, तो फिर और फिर वो प्रेजेंटेशन मैं दिया। और जनरली फिर ऐसा कुछ रहता है तो फिर मैं बिल्कुल रूम को बंद करके, वो समर का सेशन था, मैंने एसी भी चालू किया था, दरवाजा बंद था, फिर रोड क्योंकि घर रोड पे ही है तो मैंने विंडोज बंद किए थे, कर्टन भी डाला था, लेकिन वहां पे कुछ मेरा ध्यान नहीं था। मैंने पूरा जब वो सेशन प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग भी खत्म हो गई और जब मैं रूम से बाहर आ गया तो मैंने देखा कि मेरा बनियन पूरा वेट हो चुका था। फिर जब मैंने इस घटना के बारे में सोचा तो फिर ध्यान में आया कि उस क्षण के लिए सेल्फ ने डिसीजन लिया था कि ये प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है और ना कि ये जो बाहर जो गर्मी हो रही है, तब ही नहीं चला, जब रूम से बाहर आया तो ही पता चला कि नहीं नहीं ये तो फिर, और फिर मैं इसको देख भी पाया कि नहीं नहीं फिर शायद उस क्षण फिर मैंने मेरे ने लिया था कि शरीर से ये जो संवेदना उसको पूरा निग्लेक्ट करना है और प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। और स्टेप नंबर फोर में जो मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ता हूँ, मैं और शरीर के बीच दूरी है, स्कैन का जो मैं कर रहा था तब मैं ये देख पा रहा था कि शरीर में अलग अलग जगह संवेदना है और मैं तो हर एक को पढ़ रहा हूँ, तो मैं और शरीर के बीच में दूरी है, ये सब कर भी रहा हूँ। लेकिन एक यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ तो भी लगता है कि ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसको अभी मुझे थोड़ा डीपली समझना है, लेकिन अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ उसको ये बता रहा हूँ। और ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग में मुझे एक बात बहुत अच्छी भी लगती है कि मैं अभी तक कितना, क्योंकि ये तो जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन अभी तक मैं कितना समझ पाया और भी कितना बाकी है, इसका एक जजमेंट मुझे इस शेयरिंग के साथ में आता है, तो उस हिसाब से भी ये शेयरिंग एक काफी अच्छा रहता है और मुझे काफी अच्छा लगता है। और जो स्टेप नंबर फाइव है कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता और उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, देख पाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें होती है, जैसे एक महीना पहले कॉलेज में जाना था और जल्दी में था सुबह में, और तुरंत मेरे ध्यान में आया कि नेल्स तो बहुत बड़े हैं, तो फिर मैंने पत्नी को पूछा कि वो नेल कटर कहाँ पे है, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा जवाब आया कि लास्ट समय आपने जहाँ पे रखा था वहीं पे रहेगा।
तो फिर मैं वो जवाब सुना और उधर ही रुका, फिर ध्यान में आ गया कि नहीं बात तो ठीक है, फिर मैंने लिया। लेकिन यही जवाब बहुत साल जब पहले आया था तब मुझे एकदम, मैं एकदम गुस्सा हो गया था कि ये क्या जवाब हुआ, कि कम से ठीक से बता सकते कि यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, मुझे तो समय की कमी है। और तब मेरा रिएक्शन, तब मेरा भाव तो विरोध का ही बना था। लेकिन अब जब यही आंसर आया तो फिर मैं देख पाया, और फिर इनफैक्ट मैं खुद में थोड़ा सा मुस्कुराया कि अरे ठीक है, ये तो जवाब तो ठीक ही है। फिर वो नेल कटर मैंने ढूंढ लिया और फिर मतलब नेल्स कट किए और हो गया काम। लेकिन फिर मैं ये देख पाया कि दोनों भी इंस्टेंसेस में जवाब वही था, लेकिन जब वो विरोध का भाव चल रहा था तब मैं उसको, तब उसने उसको मैंने एक दूसरा अर्थ दिया था और मैं अनकंफर्टेबल था। और अभी जब मैं इस संबंध को, भाव को थोड़ा सा देख पा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको अलग अर्थ दिया कि ठीक है, और फिर मैं अभी कंफर्टेबल बन पा रहा हूँ। स्टेप नंबर सिक्स में जब हम बाह्य परिस्थिति का, शरीर का प्रभाव निर्णय करता हूँ, तो संवेदना को तो मैं ही पढ़ता हूँ, उसमें जो अर्थ देना है, जैसे कि एक इसी का एग्जाम्पल है वहां पे भी, कि उसको इग्नोर करना है या तो यहाँ पे उसको उस संवेदना उसके साथ में उसको क्या अर्थ देना, ये भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। और अगर मेरी समझ बनी है तो फिर मैं उसको ठीक ठाक अर्थ दे पाता, मतलब संबंध कर देख पाता हूँ। लेकिन समझ नहीं है तो फिर मैं उसको अलग अर्थ देता हूँ। और जब ये सजग रहने की बात होती है, और उसी तरह से इसमें और भी मैंने एक बात ये देखी है कि जब मैं अवेयर होता हूँ, जब मैं खुद में सजग होता हूँ, तो शायद मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि सामने वाले का बिहेवियर अलग रहेगा और मुझे तो संबंध के साथ में ही जीना है। लेकिन अगर मैं सजग नहीं हूँ तो फिर मेरा रिएक्शन आ जाता है, कि जैसे एक बार मैं एटीएम में, मुझे पैसे निकालने थे और वहां पे 10-10 हज़ार ही रहते, तो मैं एक दो एटीएम कार्ड्स मैंने रखे थे और निकाल रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने 2-3 बार निकाले तो पीछे से जो क्यू में एक आदमी था तो उसने बोला हम भी क्यू में खड़े हैं। और तब मैं वो एटीएम से पैसे निकालने में इतना बिजी था, शायद मैं सजग नहीं था, तो तुरंत मैंने मुड़ के ऐसा बोला, ऐसा कुछ रूल नहीं हो, बड़ी जोर से आवाज में बोला, जोर की आवाज में बोल के फिर मैं बालना हो गया। और जब मैं एटीएम की तरफ देखा तो तुरंत ध्यान में आ गया, अरे ध्यान नहीं था, तो इस तरह से अपनी एक रिएक्शन आ गई। कुछ क्षणों के लिए मैं एकदम ऐसा उत्तेजित हो गया था, काफी तुरंत एंगर, क्योंकि वो काम मेरा इम्पोर्टेंट था और मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसा मुझे लगा था। फिर मैंने वो पैसे निकाले, बाहर आया और फिर ध्यान में आ गया, तो इतना कुछ रिएक्ट होने की जरूरत नहीं थी, ये आंसर तो ठीक में नहीं था, क्योंकि वो क्यू में खड़े थे और मैं 10-10 ये एटीएम कार्ड वो एटीएम कार्ड निकाल रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो फिर उनका भी इस तरह से बात करना सहज था, तो मैं ये बोल सकता था कि भैया सॉरी मेरा थोड़ा अर्जेंट है और दो निकाल के, इतना एक या दो ही बाकी है। तो जब मैं सजग रहता हूँ तो फिर मैं अपने भाव को देख पाता हूँ और संबंध पूर्वक भाव। लेकिन फिर इससे मैं ये भी देख पाता हूँ कि शायद ये भाव अभी जिस तरह से प्रस्थापित होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, सहजता से नहीं आ रहे। लेकिन फिर काम तो शुरू है और मुझे लगता है कि हर समय मैं इसको सजग हो पाऊंगा। और दूसरा फिर ये देखा कि मैं सजग भी हूँ, लेकिन अगर जब नए आदमी कोई मिलता है तो उसके साथ में ये संबंध के भाव को मैं तुरंत पहचान पाता हूँ और उसके साथ में निर्वाह कर पाता हूँ। लेकिन स्पेशली अगर कोई एक आदमी है कि जिसके भूतकाल में मेरे साथ में कुछ आर्गुमेंट हुआ होगा, उसने कुछ बातें, गलत बातें की होगी, तो गलत बातें का एक प्री कंडीशनिंग जब मुझ में रहता है तो फिर ये संबंध का भाव बनाने में मुझे बहुत समय लगता है। तो उसके साथ में फिर ये संबंध का भाव बनाने में मुझे काफी समय लगता है। जैसे हमारे पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और जब वो यहाँ पे थे तो काम कुछ ठीक नहीं था और मुझे उनको बार बार बताना पड़ता था कि, और स्टूडेंट से भी थोड़ी मतलब कंप्लेंट्स थी, तो फिर उन्हें छोड़ दिया था। फिर से उन्होंने अप्लाई किया और फिर वो ज्वाइन करना चाहते थे, तो फिर मैंने काफूस किया था कि वो कुछ इतना ठीक नहीं है। तो जब वो आए तो भी वो विरोध का भाव मुझ में जो बना था वो वैसे था, मतलब मैं सजग भी था, मैं देख पा रहा था कि मुझे ये भाव सहज स्वीकार्य नहीं है। लेकिन वो जब आए तो फिर तब मैं उनसे बात तो कर पा रहा था, बाहर से तो मेरा बातें करने का ये अच्छा था, लेकिन अंदर से कहाँ ना कहाँ पे तो विरोध का भाव चल ही रहा था मुझ में।
ये भी है कि भाव को शायद मैं अभी इतने अपने में प्रस्थापित नहीं कर पाया हूँ और मुझे काफी उसके ऊपर काम करना ही है। और जो स्टेप नंबर 7 है कि मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, तो मैं इन तीनों चीजों एक मिनिमम एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सूचना के रूप में तो मैं देख पाता हूँ कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और ये शून्य भी है, और मैं और शरीर तो सह अस्तित्व में, और हम दोनों भी इस शून्य में है देख पाता हूँ, लेकिन समझने के लिए शायद मुझे और समय की जरूरत है। तो ये अभ्यास 1 और 2 से जो मेरी जो कुछ भी मैं समझ पा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे वो बातें रखी हैं। अब अभी जब शेयरिंग में जो 4th पॉइंट है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है, तो मैं ये देख पाता हूँ कि स्पष्टता तो बहुत कुछ बन पाई है, लेकिन वो हो नहीं रहा है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो बहुत बार प्रभाव बना रहता है कि स्वीट्स खाना मेरा पॉइंट था, लेकिन अभी मैं उसको बहुत बार ना भी बोलता हूँ, लेकिन वो स्वीट से सुखी होने का प्रयास में अभी भी जारी है, लेकिन फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर से ध्यान बहुत कुछ हट गया है। और दूसरे व्यक्ति से, दूसरा कोई मुझे अच्छा बोलेगा और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इस भ्रम से भी काफी मैं भी दूर हटा हूँ, लेकिन कुछ संवेदना से सुखी होने का जो कार्यक्रम है वो शायद इतना मतलब अभी भी शुरू है, ये मैं देख पा रहा हूँ। कमिटमेंट की जब बातें कर रहे तो UHV के साथ में जुड़ना है और समझ, और इसमें जो है कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगाते सकते हैं और भागीदारी कितना कर सकते हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जब मैं इस भागीदारी में करता हूँ, कोई भी वॉलेंटियर का जब काम करता हूँ, तो इनफैक्ट मेरी समझ बन रही है। मतलब मुझे जैसे कि वीडियो कटिंग है तो वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, उसी तरह जब मैं मॉडरेशन मीटिंग्स की बात करता हूँ तो फिर वो मीटिंग को मुझे पूरा 1.5 घंटा बहुत अटेंटिवली सुनना रहता है, तो इससे वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो मैं ये देख पाता हूँ कहाँ ना कहाँ पे, तो जितना मैं वॉलेंटियरिंग करूंगा मतलब मेरी गति बन रही है इस समझ के अर्थ में, तो वॉलेंटियरिंग को तो मैं करना ही चाहता हूँ, क्योंकि कहना ना कहाँ तभी मेरी हारमोनी के लिए और मेरे जो परिवार है उसके साथ में रहने के लिए मुझे लगता है काफी जरूरी है। मेरी पत्नी ने भी अभी उन्होंने भी ये FDP इंट्रोडक्टरी कोर्स किया हुआ है, और इस वर्कशॉप में इस जो 6 बैच है उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने उनसे बात की थी कि आप ये रखिए प्रेजेंटेशन, लेकिन वो उनको थोड़ा समय चाहिए, तो शायद अगले वीक या उसके नेक्स्ट वीक में वो भी अपना टेयरिंग रखेगी। और आखिर भी मैं सिर्फ इतना ही बात कहूंगा कि UHV के साथ में जुड़ के जो मुझ में जो कुछ भी बदलाव मैं देख पा रहा हूँ और जिस तरह से अभी जीना हो रहा है, मेरे लिए काफी सुखदायक है, और इस जर्नी को मैं जारी रखना चाहता हूँ, और जितना हो सके मेरी तरफ से उतना ज्यादा उतना मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और उसी के साथ में आखिर में सारे रिसोर्स पर्सन्स और समझ बनाने के लिए मुझे हेल्प की है, जिनका जो गाइडेंस मुझे मिला है, उसी तरह से मेरे साथ में जितने भी को एक्सप्लोरर्स हैं उनकी शेयरिंग से, उनके क्वेश्चन से जो मुझ में समझ बनी है, मतलब ये सारा अस्तित्व ही उनकी तरफ मतलब मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्ते। यशवंत जी नमस्ते। बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी, नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सुन के। एकदम ऑनेस्ट और सिंसियर, और इतनी स्पष्टता से पॉइंट्स की क्लैरिटी, और जो एग्जाम्पल्स आपने दिए वो एग्जाम्पल से एकदम कनेक्ट होते दिखता है कि आपका प्रोग्रेस कैसे चला, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक आप देख पाए हैं, और क्या अभी आगे बाकी है उसकी क्लैरिटी। जैसा आपने कहा, जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमें खुद को भी उसकी क्लैरिटी होती है, और जैसा हम उसको पुट फॉरवर्ड करते हैं तो दूसरे को भी अपने ऊपर ध्यान जाता है कि कितना हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आगे कहाँ तक जाना है। छोटी छोटी इंसिडेंट्स जो आपने बताए,
उससे ये एहसास हुआ कि आप जैसे पहले जब आपकी पत्नी वही चीज कुछ साल पहले बोली होंगी तो आपका कैसा रिएक्शन होता था, और अब आप उस चीज को कैसे देख पा रहे हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं अपने अंदर ही, ये चीज। और ये जो आपने मेंशन किया कि पहले इतनी थकान होती थी शाम में, लेकिन अब इतनी थकान नहीं लगती, वो जो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि कहाँ से इतना समय मिलता है वॉलंटियरिंग के लिए, या कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, तो वो है तो ऊर्जा अपने अंदर ही, लेकिन जब हम हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं या जो विरोध के भाव से के साथ हमारा जो मन में जो सब चलता रहता है, उसके कारण हमारी कितनी ऊर्जा उसमें चली जाती है कि एंड ऑफ द डे हमें इतनी थकान महसूस होती है और हमें लगता है कि हम पूरा दिन काम करके आए हैं इसलिए थकान हो गई। लेकिन थकान इसलिए नहीं होती कि हम काम करके आए हैं, थकान इसलिए होती है कि हमारे मन में जो उथल पुथल चल रहा है उसकी वजह से हमें थका हुआ महसूस लगता है, महसूस होता है। तो ये बात भी आपकी शेयरिंग से बहुत अच्छे से निकल कर आई, तो आपको मिलके भी बहुत अच्छा लगा पुणे के वर्कशॉप में, और आपकी पत्नी भी शेयर करेंगी ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब परिवार में औरों को दिखता है हमारे व्यवहार में कुछ फर्क दिखता है तो ही वो आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप करने के लिए या कुछ भी आगे इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि व्यवहार में जब तक नहीं दिखेगा तब तक दूसरे को समझाना या दूसरे को ठीक करना या दूसरे का व्यवहार चेंज करना, वो सब उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक कि हम खुद ना चेंज कर लें अपने आप को, हम खुद ना अपने ऊपर काम करें। तो ये सब भी आपकी शेयरिंग से बहुत अच्छे से निकल के आया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद दीदी।